और लाहौर समेत पंजाब के हजारों स्कूल्स को एनजीओस और प्राइवेट इदारों के हवाले करने का इंकशाफ। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए से सरकारी स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में लाहौर समेत सूबे भर में 4,276 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज किया है और इन सरकारी स्कूलों को एनजीओज और प्राइवेट इदारों के हवाले किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सरकारी स्कूल एनजीओ की तहवील में दिए गए हैं ये केयर फाउंडेशन है, जिसको 434 सरकारी स्कूल दिए गए हैं, जबकि अकवत फाउंडेशन को 301 सरकारी स्कूल, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम को 48 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में हुकूमत पंजाब ने दिए हैं। इस तरह एनजीओ बुनियाद है जिसको 32 सरकारी स्कूल, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट को 82 सरकारी स्कूल हवाले किए गए, जबकि इदारा तालीम आगाही को 127 सरकारी स्कूल्स दिए गए हैं। इसी तरह एक एनजीओ नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम कायम की गई और इस एनजीओ को 345 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में दिए गए हैं। सिटीजन फाउंडेशन को 257, प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क को 144 सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया को 128 सरकारी स्कूल जो हैं वो तहवील में दिए गए हैं। और इन सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब ने पीमा का एक इदारा कायम किया और पीमा के जरिए से इन एनजीओज और प्राइवेट इदारों को सालाना 4 अरब रुपए तक का फंड भी फराहम किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना है।